शानदार ब्लॉग में और मैं हूँ आपके साथ प्रियांशु रॉय। और गाइस देखो सीन ये है कि अभी मैं हूँ ट्रेन के अंदर और मैं जा रहा हूँ भाई दिल्ली। और भाई जहाँ मुझे पहुँचना है मैं अप्रोक्स वहाँ से भाई एक घंटा लेट हूँ ऑलरेडी। आज हमारा दिल्ली के अंदर त्यागराज स्टेडियम में अवार्ड फंक्शन है भाई, और वहाँ के लिए निकला हूँ भाई। मैं सुबह का 5 बजे का निकला हुआ हूँ और अभी तक भाई लेट ही हूँ। सुबह यार ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, कुछ यार मोबाइल में कोई दिक्कत हो रही थी, बट अब वो प्रॉब्लम सही हो गई है। सो अभी शूट कर रहा हूँ और लग रहा है यार इस ब्लॉग में बैकग्राउंड में नॉइज़ ज़्यादा होगी। गेट पे खड़ा हूँ भाई मैं, बट यार जहाँ पहुँचना है ना वहाँ यार एंट्री स्टार्ट हो गई होगी यार एक घंटा पूरा। हम तो घर से यार ठीक निकले थे, सही टाइम पे निकले थे, मैंने मतलब 5 बजे मैं घर से निकल गया था और इस ट्रेन का टाइम था भाई 6:40 का, हाँ 6:40 आ जाती है। और भाई ये ट्रेन आई है स्टेशन 8 बजे आई थी और वहाँ से भाई 8 बजे चली है और अभी भाई 10 बज रहे हैं, यानी 2 घंटे मुझे ट्रेन में हो गए चलते हैं, हर स्टेशन पर रुक के चलिए भाई साहब। और जहाँ मुझे अवार्ड फंक्शन में पहुँचना है भाई उसकी टाइमिंग 9 बजे है, 9 बजे एंट्री हो जाएगी, बट अपने यार अभी ट्रेन में ही और अभी भाई 1 घंटे का रास्ता हो रहा है आगे को, क्योंकि अभी आप चलेंगे आगे मेट्रो से, बट वही यार 11-12 बजे जाएंगे, आधा अवार्ड फंक्शन देखने के लिए मिलेगा। सो कोई दिक्कत नहीं है, बट चलते हैं। दो घंटे के बाद भैया ट्रेन ने हमें यहाँ उतारा है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और भागम भाग चल रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई देखो आधा प्रोग्राम ऑलरेडी निकल चुका है और अभी टैक्सी देखते हैं यहाँ से कोई टैक्सी मिलती है या नहीं मिलती है, और चले जा रहे हैं जल्दी से जल्दी। तो पीछे दिल्ली रेलवे स्टेशन जल्दी चलते हैं भाई, यहाँ से पकड़नी है हमें मेट्रो आगे के लिए। भाई काफ़ी लेट हो गया है, 11 बज गए, यानी आधा प्रोग्राम ऑलरेडी निकल चुका है भाई, पर भाग भाग के पकड़नी पड़ी है मेट्रो, तो भागे जा रहा हूँ भाई। भाई कितनी लंबी टनल है यू है भाई, लग रहा मतलब 200 मीटर चल लिया इस टनल में को, और अभी और लंबी चले ही जा रहा हूँ बस। ओ भाई पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, दो सीन मिले चाहे देखने के लिए लास्ट के प्रोग्राम के, पर कोई दिक्कत नहीं है भाई। आज की जो ट्रेन ने ना पूरा मामला खराब कर दिया भाई। ये भाई दिल्ली की टनल है मेट्रो की। तो भैया सीन ये है कि अभी मेरे पर कार्ड था ऑलरेडी मेट्रो का, तो इसमें ऑलरेडी पहली बैलेंस पड़ा था, अप्रोक्स 150 रुपये पड़े थे पहली कभी मैं आया था दिल्ली जब गई। सो अब ये काम आ गया क्योंकि मुझे लाइन में नहीं लगना पड़ा यार, टोकन की बहुत लंबी लाइन लगनी थी इसलिए मैं सीधा अंदर जा रहा हूँ। ये बेनिफिट हो गया यार कार्ड का मेट्रो में, तो बस भागम भाग हो रही है भाई जल्दी से जल्दी। मेट्रो का इंतजार करते हुए भाई प्लेटफॉर्म पर खड़े, इसी प्लेटफॉर्म पर मेट्रो आएगी। सो भैया सीन ये है कि ड्रेस भी मैंने भाई मेट्रो में ही चेंज कर ली, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, ब्लेजर ही तो डालना था, मैंने ब्लेजर डाल लिया मेट्रो में, और अभी अपन मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने वाले हैं, बस एंट्री हो जाए भाई कैसे ना कैसे एक बार। भाई लिफ्ट वाले पे जाओगे यार, मतलब टांगों को थोड़ा सा कष्ट मत दे दियो। ₹20 सवारी, हाँ भैया क्या त्यागराज है क्या भैया, बैठो भाई बैठो जल्दी से यार, हाँ बैठो जल्दी से बैठो अंदर बैठो भैया, ऑटो में बैठ चुके हैं आज है बहुत लेट। सही बात है जी तुम्हारी, बिल्कुल भाई हम किसी के साथ में बुरा नहीं सोचते, ऊपर वाला मेरे साथ में बुरा नहीं करता कभी, बिल्कुल ₹10 सवारी
एक बार बताओ, मतलब हमें लेट चल रहे हैं, मतलब हमें लेट ना, सभी लेट है ना। हाँ वही है ना, फ्री वाला ना प्रोग्राम, तो इसलिए सभी केयरलेस हो रखे हैं। सो भैया सीन ये है कि धक्के खाते खाते पहुंच ही गए हैं, अभी बज रहे हैं भाई 12, यानी 3 घंटे का प्रोग्राम ऑलरेडी निकल चुका है भाई, तो 12 बज रहे हैं ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो देखने को मिलेगा ही, क्या बोलते हो भाई? ड्रेस हमने चेंज करी ली है, अब बड़ा मजा आने वाला है, मतलब बहुत एक्साइटेड है। अरे बिल्कुल भाई साहब, क्या बोल भैया, सीन यू है कि चल रहे हैं अपने भैया लिफ्ट वाले जीने पे और पहुंचने वाले ऊपर बाहर। और यहाँ पर हो रही है भाई बैगों की चेकिंग, तो यहाँ बैगों की चेकिंग करा कर अपन सीधा एंट्री अंदर। हाँ तो भैया स्टेडियम के अंदर भैया हमने एंट्री कर दी, और भाई जल्दी जा रहा हूँ भैया, एंट्री हो रही है, हमारे लीडर्स आगे आगे जा रहे हैं। और चलो यार, पता नहीं यार क्या सीन है आज यार, हम ही लेट है, प्रोग्राम ही लेट हो गया, कुछ साउंड वाउंड आ ही नहीं रही यार। वाह चल रहा है भाई, चल रहा है, अंदर आवाज आ रही है। सो गाइस सीधे हम एंट्री करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की। सो भाई लोगों, भैया मतलब 10,000 लोग स्टेडियम के अंदर बैठे हैं अभी। हाँ 10,000 लोग बैठे हैं भाई, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ नज़ारा, देखिए आप। सो भाई साहब देखो, जैसा आज का प्रोग्राम था ना भाई साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, मज़ा आ गया बिल्कुल भाई। ये प्रोग्राम मैंने अपनी लाइफ का भाई साहब पहला ऐसा प्रोग्राम है जो अटेंड करा भाई, इतना कुछ सीखने को मिला है ना भाई, इतना कुछ सीखने को मिला है भाई। अगर कोई बंदा, अगर नॉर्मल बंदा करे जो बातें बताई हैं, तो वो 10% बात इम्प्लीमेंट कर लेना भाई, तो अपनी लाइफ में भाई बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा भाई, जहाँ तक कि मैं मानता हूँ। क्योंकि यार जो बंदा वहाँ पर स्पीच दे रहा था ना, जो बता रहा था भाई साहब, 15 करोड़ों में कमाता भाई। कोई दिक्कत नहीं यार, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि मैं वो स्पीच थोड़ी सूट नहीं कर पाया, या वो क्योंकि यार थोड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि जो मेरा मोबाइल था ऑलरेडी पहले दिक्कत कर रहा था जब मैं सूट कर रहा था, कि इसका कैमरा में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और एक्चुअली यार ऐसा हुआ कि जब मैं सूट कर रहा था, तो ना ये जो मोबाइल है मैंने अपने ब्लेजर में रख लिया था ऊपर, और क्लैपिंग कर रहा था मैं भाई, इतना एक्साइटेड हो गया था कि यार क्लैपिंग में पता ही नहीं रखा मोबाइल ब्लेजर में रखा है, और ब्लेजर में चल गया भाई, मोबाइल नीचे गिर गया, और भाई मोबाइल क्या भाई कतई डैमेज हो गया। सो ये वीडियो जो मैं उससे अगले दिन शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैं वहाँ गया था ना, तो आज इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ, और अभी मैं सुबह मोबाइल रिपेयर कराया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बट जो बात थी भाई, प्रोग्राम तब भयंकर रहा था, बस मज़ा आ गया भाई। ऐसा फील कर रहे हैं ना अपन कि, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यही डी एंड करते हैं, मिलता हूँ आपसे जब तक के लिए दूसरे ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।